आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। इन अ टूर्नामेंट, ठीक है, इन ए टूर्नामेंट अ प्लेयर हैज ए रिकॉर्ड ऑफ 40% विंस आउट ऑफ द नंबर ऑफ गेम्स। तो एक प्लेयर का रिकॉर्ड है कि वो 40% का, मतलब 40% वो जीतता ही जीतता है, ठीक है, आउट द नंबर ऑफ द गेम्स ही हैड प्लेड सो फार, सो हिज इन टर्न इज 2/5 ऑफ द टोटल ऑफ द गेम ही प्लेज। तो जब 40% का मतलब क्या है कि वो 2/5 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ गेम्स जो खेला है उसमें से 2/5 उसकी जो है चांसेज है कि वो जीत जाता है। सो व्हाट इज द मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ द रिमेनिंग गेम्स दैट द प्लेयर कैन लूज एंड स्टिल विंस 50% ऑफ द ऑल द गेम्स प्लेड। तो हमको ये बताना है कि मैक्सिमम परसेंटेज कितना है जो बचे मैचेज हैं, ठीक है, जो बचे मैचेज हैं उसमें से मैक्सिमम नंबर, मैक्सिमम परसेंटेज निकालना है कि जो प्लेयर है वो हार सके एंड फिर भी 50% वो सभी गेम्स का जीत जाए, ठीक है। तो मतलब कि जितने मैच, जितने गेम बचे हैं उनमें अधिकतम परसेंटेज कितना होगा जो खिलाड़ी हार जाए और उसके बाद भी वो 25% जीत जाए, तो हमको ये निकालना है। तो हम क्या करेंगे कि सबसे पहले सपोज कर लें कि टोटल नंबर ऑफ गेम्स वो कितने खेला है, तो नोट कर लेते हैं कि लेट द टोटल नंबर ऑफ गेम्स प्लेड बी एक्स। तो हमने क्या सपोज कर लिया कि जितने मैच वो खेला है वो टोटल नंबर ऑफ गेम्स कितने खेला है, वो एक्स गेम खेला है। अब उसमें से क्या है कि नंबर ऑफ गेम्स ऑलरेडी प्लेड, अब उसने कितने गेम खेल चुका है, वो 2/5 गेम खेल चुका है। तो नोट कर लें कि नंबर ऑफ गेम्स ऑलरेडी प्लेड, मतलब वो ऑलरेडी कितने गेम खेल चुका है, तो ऑलरेडी प्लेड इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये 2/5, तो ये हो जाएगा 2x/5। उसके बाद क्या है, गेम ऑलरेडी लास्ट, तो वो 40% जीतता है, इसका मतलब 60% वो हार जाता है, तो गेम कितने हार गया होगा ऑलरेडी वो, तो गेम्स ऑलरेडी लास्ट कितना हो जाएगा, गेम्स ऑलरेडी लास्ट तो कितने परसेंट वो गेम हार गया होगा, 60% कितने का, 2x/5 का, क्योंकि वह कितने गेम खेल चुका है, 2x/5 खेल चुका है, तो उसमें 40% जीतता है, उसके रिकॉर्ड है 40% जीतने का, लेकिन तो इसका मतलब क्या है कि 60% हारने का भी है उसका, तो 60% वो जो है ऑलरेडी कितने हार गया होगा, 60%, तो इसको हम कैलकुलेट कर लेंगे तो आ जाएगा 60/100 × 2x/5, तो इसको हम 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 6x/5, और 2 से हमने इसको कैंसिल कर लिया तो 5 times, तो ये आ जाएगा 6x/25, तो 6x/25 गेम जो है वो हार चुका है। तो अब इतने हार चुका है तो नंबर ऑफ गेम्स दैट द प्लेयर कैन लूज, तो कितने कितने गेम जो है वो लूज हो सकता है, कितने नंबर ऑफ गेम्स हैं जो प्लेयर जो है हार सकता है, तो कितने हार सकता है वो, लास्ट में उसने बोला कि व्हाट इज द मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ द रिमेनिंग गेम्स दैट द प्लेयर कैन लूज एंड स्टिल विन 50%, तो 50% अगर जीतता है तो इसका मतलब कि 50% वो हार जाता है। तो हम वो निकाल लें कि नंबर ऑफ गेम्स कितने हैं जो प्लेयर हार सकता है, तो नंबर ऑफ गेम्स दैट द प्लेयर कैन लूज, तो कितने नंबर ऑफ गेम्स हैं जो प्लेयर जो है हार सकता है, कितने हैं, 50%, तो 50% ऑफ एक्स, तो 50% ऑफ एक्स कितना हो गया, x/2, ठीक है। तो ये इतने मैच जो है, इतने गेम वो हार सकता है। तो अब ये बताएं कि अब जो है कि नंबर ऑफ गेम्स दैट द प्लेयर कैन स्टिल लूज, अब कितने जो है फिर भी उसने x/2 हार सकता है, और 6x/25 वो ऑलरेडी हार चुका है, मतलब कि जो उसने 50% जीतने के चांसेज हैं तो 50% हारने के भी हैं, तो टोटल वो x/2 मैच हार सकता है, और उसमें से इतने मैच वो ऑलरेडी हार चुका है, तो कितने मैच और बचे जो अभी वो हारेगा। तो हम यहाँ से निकाल लें कि नंबर ऑफ गेम्स दैट द प्लेयर कैन स्टिल लूज, मतलब अब और भी और कितने गेम बचे हैं जो प्लेयर हार सकता है, तो प्लेयर कैन स्टिल लूज, तो कितने गेम होंगे, तो वो निकालना है, स्टिल लूज, तो टोटल वो कितने हार सकता है, x/2, और x/2 में वो 6x/25 मैच हार चुका है, तो कितना बचेगा, तो हम क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे, तो एलसीएम आ जाएगा 50, तो ये हो जाएगा 25x,
और ये हो जाएगा 12x, तो माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 13x बाई 50। मतलब वो है 13x बाई 50 गेम और हार सकता है, अभी उसके पास चांसेज हैं जो कंडीशन दे रखी है क्वेश्चन में। अब उसके बाद कितने मैच बचे खेलने के लिए, तो 2x बाई 5 मैच तो ऑलरेडी खेल चुका था, तो यहाँ पर हम निकाल चुके हैं नंबर ऑफ गेम्स ऑलरेडी प्लेड, 2x बाई 5 खेल चुका है, तो बचे कितने गेम, तो अब वो निकालने कितने गेम बचे हैं, तो रिमेनिंग नंबर ऑफ गेम्स इक्वल टू रिमेनिंग गेम्स टू बी प्लेड, रिमेनिंग गेम्स टू बी प्लेड कितने मैच अभी खेले जाने बाकी हैं, तो टोटल x थे और x में से 2x बाई 5 मैच ऑलरेडी खेल चुका है, तो कितने बचेंगे 3x बाई 5 मैच बचे हैं, तो इतने मैचों में वो अभी इतने मैच हार सकता है, तो जीतने का हमको निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो रिमेनिंग गेम्स टू बी प्लेड 3x बाई 5 हो गया, तो हमको निकालना क्या है, परसेंटेज निकालना है कि कितने परसेंटेज जो है वो मैच जीत सकता है। तो यहाँ पर हम इसको नोट कर लेंगे कि इतने मैच हैं टोटल और उसमें से इतने मैच वो हार सकता है, तो उनका परसेंटेज कितना होगा, तो रिक्वायर्ड परसेंटेज इक्वल टू कितने हैं 13x बाई 50 वो हार सकता है, तो 13x अपॉन 50 कितने मैचों में से 3x बाई 5 मैचों में से, क्योंकि अभी इतने ही मैच बचे हैं, इंटू 100 कर लेंगे, इसको कैलकुलेट करेंगे तो 5 से ये हो जाएगा 10 टाइम्स चला जाएगा, तो ये आ जाएगा और x से x कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 13 अपॉन 30 इंटू 100, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, तो आ जाएगा 130/3, तो 130/3 जब 3 से इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा ये 43.3%। तो ये हमारा आंसर हो गया कि मतलब कि हमको जो निकालना था कि कितने परसेंट जो है मैच वो कितने परसेंट मैच वो हार सकता है। सो यहाँ पर क्या निकालना था, व्हाट इज द मैक्सिमम परसेंट ऑफ द रिमेनिंग गेम्स दैट द प्लेयर कैन लूज एंड स्टिल विन 50% ऑफ ऑल द गेम्स प्लेड, तो हमको उसके जितने मैच कितने मैच हार सकता है उसका परसेंटेज निकालना था। तो हमने पहले क्या किया कि जितने मैच खेल चुका है उतने माइनस करके हमको निकाल लिए कि कितने मैच अभी खेले जाने बाकी हैं, तो कितने 3x बाई 5 बाकी थे और उसमें से कितने वह गेम ऑलरेडी हार चुका है, तो अभी वह कितने और हार सकता है, तो हमने वो हारने वाले मैच निकाल लिए और फिर हमने उनका परसेंटेज निकाल लिया। क्लास 6 से 12 से लेके नीट IIT JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउट नेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।